अस्सलाम वालेकुम मेरे टू फैमिली, आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये देखिए मैंने कितना यमी, कितना ज़बरदस्त ओरियो का ये केक बनाया है, जिसे बच्चे भी बना सकते हैं। देखें कितना मॉइस्चर, कितना सॉफ्ट और कितना नरम। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना टेस्टी है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप ये मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चले अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले हमें करना क्या है, क्योंकि हम ओरियो का केक बना रहे हैं, बहुत इजी, जिसे बच्चे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने चार ले लिए हैं, ये देखिए ठीक है, इस तरह से ये चार ले लिए हैं। आप इसको चारों को खोल लीजिए, चारों को इस तरह से खोल कर बिल्कुल आराम से रखिएगा, क्योंकि हमें इसकी जो फ्रेम है, ये सारी हमें इसकी क्रीम निकालनी है। इस तरह से टूटने नहीं दीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से सारे बिस्किट्स आप पहले निकाल दीजिए, ताकि हम इनकी क्रीम निकाल सकें। सारे बहुत ही इजी केक होता है और बहुत ही मज़ेदार। जिन लोगों को केक बनाना नहीं आता, वो बेहतरीन आप ओरियो से बेहतरीन केक और परफेक्ट केक जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से ये सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। अब इसकी जो क्रीम है, इसको इस तरह से बिल्कुल आराम से ये सारी क्रीम एक कप के अंदर हमें ये जमा करनी है। ये हम करते हैं नाइफ से, क्योंकि नाइफ होती है पतली। इस तरह से ये सारी आप निकाल के, ये सारी इस तरह से क्रीम निकल गई है। अब एक बॉल के अंदर आप सारा ये क्रीम डालते जाइए। ये देखिए इस तरह से आप इसको आराम से खोलिए। फिर ये जो चॉकलेट्स है, ये सारी चॉकलेट आप इसको नाइफ की मदद से, क्योंकि नाइफ पतली होती है इसकी, इस तरह से ये देखें सारी ये क्रीम हमें इस तरह से चाहिए, ताकि हम इसकी क्रीम को बनाकर हम अंदर फिलिंग करेंगे। तो सारे बिस्किट्स एक तरफ रखते जाइए और इसको सारी क्रीम को इस तरह से निकालते जाइए। देखिए ठीक है, कितना इजी है। ये मैं बनाऊंगी, आपको बनाना सिखाऊंगी तवे पे, कि किस तरह से जिनके पास ओवन नहीं है वो कैसे तवे पे आसानी इस केक को बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रखते जाएँ और सारा इस तरह से आप क्रीम निकालते जाएँ। ये देखिए सारी क्रीम इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, ये हम रख देते हैं एक तरफ, और ये हमारे बिस्किट्स हैं, ये सारे मैंने क्रीम निकाल लिए हैं। क्रीम देखें कितने सारे बिस्किट्स हैं क्रीम के बगैर, ये मैंने चार पैकेट लिए थे। आप चाहें तो आप दो भी ले सकते हैं, जितने आपकी मर्ज़ी है। अब ये आप जो बैग है होता है, इसमें आप सारे बिस्किट इस तरह से डाल दीजिए, ताकि हमें इसको बैग में डाल के अच्छे से इसको बैग में आ गए। अब हम इसको बेलन की मदद से सारे बिस्किटों का इस तरह से चूरा करेंगे। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल बारीक सा हो जाना चाहिए। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में पीस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये इजी होता है कि आप, अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग नहीं है ये, तो आप जो कॉमन थैली होती है जिसमें सामान आता है, आप उसमें भी रख के इस तरह से कूट सकते हैं। ये देखिए सारा इस तरह से आप से बिल्कुल बारीक करना है आपने। ये देखिए ये बिल्कुल बारीक हो चुका है, ये देखिए ठीक है। अब हम इसको टर्न करके थोड़ा सा इस तरह से इसको मजीद कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको एक बॉल में निकालते हैं। इस तरह से ये बॉल है, ये सारे बिस्किट्स हम इस तरह से ये निकाल दिए हैं हमने सारे। ठीक, अब ये जो थोड़े से बिस्किट्स हैं, इसको मैं उठा के डेकोरेशन के लिए रखूंगी। तो एक टैली में हम ये थोड़े से निकाल लेते हैं डेकोरेशन के लिए। ये देखिए इस तरह से थोड़े से बिस्किट्स, बस ज़्यादा नहीं, इतने मैंने निकाल लिए हैं। ये मैं कर देती हूँ साइड। अब हमें करना क्या है कि इस, ये जो हमारे बिस्किट है, इसमें हम डालने वाले हैं बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर हमने लेना है, ये देखें ये चाय का चमचा है, ये मैं 2 टीस्पून लूँगी ताकि ये इसमें अच्छा सा ये बैक हो। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, अब हमें स्पून की मदद से और मिल्क की मदद से इसको खोल लेना है, एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको एक स्मूथ सा बैटर रेडी करना है आपने, ताकि जब ये बैक हो तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बनके रेडी हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ सा ये बैटर रेडी हो चुका है हमारा। ये देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस होना चाहिए। आपने थोड़ी सी देर इसको स्पून की मदद से इस तरह से सारे बैटर को स्मूथ कर लेना है। ये देखें हमारा बैटर कितना स्मूथ हो गया है। अब हमें करना है क्या है कि ये एक ही मैंने ली है देगची, क्योंकि मैं देगची में बना रही हूँ विदाउट ओवन तवे पे, तो ये सारा मिक्सचर हम इस तरह से एक देगची में निकाल लेंगे, जितना भी है मिक्सचर इस तरह से सारा। ये देखिए ठीक है, इस तरह से ये सारा निकाल दिया मैंने, इसको मैंने पैक किया। अब ये देखिए मैंने ये जो तवा है ये पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। ये नीचे मैं आपको फ्लेम दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी फ्लेम है, इतनी ही फ्लेम पर आपने रखना है इसको इस तरह से कवर कर कर। अब मैं तवे पे इसका मैंने ये बैटर रख दिया है पतीली में, इसको मैं कर देती हूँ कवर 30 से 35 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो बीच में खोल के चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने ये रख दिया है इस तरह से, ताकि हमें पता चलता जाए कि ये कितने वक्त में कितना फूल रहा है और कितना अच्छे से पैक हो रहा है। अब हम आ जाते हैं क्रीम की तरफ। ये देखिए इसको कर देते हैं हम साइड, और ये है क्रीम। ठीक है, ये जो हमने क्रीम निकाली थी अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हम इसके अंदर लगाएंगे, केक के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से। ये देखिए ठीक है, ये कितने अच्छे से, अगर आप चाहें तो इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसको लिक्विड करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बस 1 टीस्पून के करीब इसमें मिल्क ऐड करूंगी इस तरह से। ये देखिए बस ठीक है, ताकि एक स्मूथ सी एक अच्छी सी हमारी क्रीम रेडी हो जाए इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से मिक्स कीजिए, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे आप तो ये अच्छे से वो हो जाएगी। ये देखिए कितनी स्मूथ सी क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी। अब हम जब हम इसको केक पे लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगेगी। ठीक है, अब ये रेडी हो गई है, हम इसको कर देते हैं साइड। अब हम लेते हैं ये चॉकलेट। जी जनाब, ये चॉकलेट ली है, अब हम इसको पीसेस में इस तरह से निकालते हैं। ये इस तरह से पीसेस में निकालना है इसको हमने। ये डार्क चॉकलेट है, अगर आपके पास ये डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप डेरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप डेरी मिल्क ले लीजिए। ये हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये देखिए ये चॉकलेट्स बाहर आ रही हैं। ये देखिए है ना, इस तरह से आपने जितनी आपको चाहिए आप उतनी ही चॉकलेट्स निकालिए। ठीक, बस चले, बस इतनी चॉकलेट इनफ है। ठीक है, ये देखिए इतनी इनफ है। अब मैं इसको एक प्याली में उठाकर रख देती हूँ, इसको इस तरह से। इसकी मदद से थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए अब हम इसको करेंगे मेल्ट और इसको डालेंगे केक के ऊपर। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केक जो है हमारा कितने अच्छे से बैक हुआ है। ये देखें, ये मैंने कढ़ाई के अंदर पतीली के अंदर किया है,
जब स्टिक जाकर वापस आती है और खुश हो तो समझो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने तवे पे ये केक बनाया है, कितना मज़ेदार। ये देखिए इस तरह से आप देखची में तवे पे बना सकते हैं। अब मैं इसको उतारूंगी, अब करने रखेंगे हम इसको ठंडा। ठीक है, ये मैं उतार के इसको कर देती हूँ साइड में यहाँ, ताकि ये थोड़ी सी देर में ठंडा हो जाए, फिर हम इसको निकाल के इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर गर्म निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको रूम टेम्परेचर पर आप 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए अच्छे से इसने साइड्स छोड़ दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, अब हम इसको प्लेट पर ऐसे करके और हम इस तरह से आराम से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना स्पॉन्जी ये केक बना है। ये देखें कितना लजीज, कितना मज़ेदार। ये देखें इस तरह से मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब ये रूम टेम्परेचर पर कितना ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे ये क्रीम, ये जो हमने बनाई थी वो, इसको इस तरह से सारी आप डाल दीजिए। ये देखिए मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये इतना ईजी है कि मैंने आपको बताया है कि इसको बच्चे भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अब आप इस क्रीम को इस तरह से पूरे केक पे स्प्रेड कर दीजिए। ये देखें इस तरह से, ये जिनको केक बनाने में प्रॉब्लम होती है और उनसे केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, तो बस आप क्या कीजिए कि आप ओरियो से लाइए, ओरियो को इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से सारा आप केक बनाइए ओरियो से, और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और सब खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि वाह भाई ये आपने बनाया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त से ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखें सारी क्रीम इस तरह से लग गई। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये जो मैंने थोड़ी सी मेल्ट की थी इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, आप ऐसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं जैसे कि ये मैंने बनाया है। बस थोड़ा सा मैं इस तरह से इसको ये चॉकलेट का दूंगी ताकि ये थोड़ा सा यमी और टेस्टी लगे इस तरह से। बस ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार है, ये ऐसा ज़बरदस्त मीठा है कि खाने वालों के हाथ ना रुके। अब ये जो मैंने चूरा निकाला था इस तरह से आप इसको इस तरह से साइड में डाल दीजिए। ये देखिए साइड में डाल दें। ये इसकी हो गई केक की डेकोरेशन कंप्लीट। चल अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितना लजीज है ये। ये देखिए है ना कितना ज़बरदस्त सा। चल अब हम इसकी साइड साफ कर देते हैं इस तरह से ये सारा, ताकि ये जो भी है ये किनारे इसकी साइड साफ हो जाए। ये देखिए इस तरह से। चल ठीक, अब मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसको, ये देखिए कितना लजीज और कितना मज़ेदार है ये। ये देखिए इस तरह से है ना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में जाके मुझे बताइए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही इजी रेसिपी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।